माशाल्लाह ये देखें कितना सॉफ्ट बना है। स्पंज केक बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही मज़ेदार बनता है, घर का फ्रेश होता है। तो अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्लासिक टेस्ट में खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं स्पंज केक, जो बनाना बहुत ही आसान है और बहुत मज़े का बनता है। अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। 1 कप मैदा लिया हमने, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा है। ये दोनों अलहदा अलहदा चीज़ें, बेकिंग पाउडर और होता है, बेकिंग सोडा और होता है। हम इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मैदा अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, इसको हम साइड पे करते हैं। मदद अंडे लिए, इसको रूम टेम्परेचर पे हमने निकाल के रख देना है फ्रिज से। हमारा 1 कप था चीनी, हमने कप से कम लेनी है थोड़ी सी। 1 कप ऑयल लिया हमने। अब हम इसको 3 मिनट तक अच्छी तरह बीट करेंगे, एक क्रीमी सा मिक्सचर तैयार हो जाए। मिक्सचर बहुत अच्छा तैयार हो चुका है। जितना अच्छा मिक्सचर तैयार होगा केक हमारा उतना ही सॉफ्ट बनेगा। मिक्सचर बहुत अच्छा तैयार हुआ है। अब हम इसमें मैदा शामिल करते हैं, थोड़ा थोड़ा डालकर हम ऐसे ही इसको मिक्स करें। दूध हमने 1/3 कप लिया है, अब इसको हम थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्सचर तैयार हो गया है, देखिए यकजान हो जाए अच्छी तरह। एक हमने ये बाउल लिया है, अब इसमें तकरीबन 1 चम्मच ऑयल डालेंगे हम। थोड़ा सा मैदा डालेंगे नीचे। बाउल के चारों तरफ अच्छी तरह ये मैदा लग जाए, एक्स्ट्रा हम निकाल लेते हैं। ये इसलिए कर रही हूँ ताकि जो इसके अंदर बबल वगैरह हैं वो निकल जाए, यानी हवा वगैरह बिल्कुल निकल जाए। आप पतीला भी ले सकते हैं, ये कढ़ाई ली है, इसके अंदर ये स्टैंड रख दिया है 10 मिनट के लिए। अब हम इसको प्री हीट करेंगे मीडियम आंच पे। 10 मिनट हो चुके हैं, प्री हीट हो गया। अब हम इसमें बाउल रखते हैं। ऊपर से ढांप देंगे, आंच इसकी हम लो करेंगे। कितनी आंच हो कि जैसे दम हम देते हैं चावलों वगैरह को, उससे थोड़ी सी ज्यादा हो। आप 25 से 30 मिनट हम इसको टाइम देते हैं। माशाल्लाह देखें कितना अच्छा कलर आ चुका है। अब हम देखते हैं, चेक करते हैं। और अगर आप भी ऐसे नॉनस्टिक बर्तन में बना रहे हो तो ये छोटा सा सुराख होता है, आपने इसको भी बंद करना है, ये ध्यान रखना है। ये स्टिक से हम चेक करते हैं, अगर ये स्टिक ना हो तो आप माचिस की तीली भी ले सकते हैं। ये हम ऐसे चेक करते हैं, इसका तरीका ये होता है चेक करने का। अगर तो इसके साथ मटेरियल लगा तो इसका मतलब है कि कच्चा है, लेकिन ये देखें ये बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल ड्राई है। इसका मतलब है कि केक बिल्कुल रेडी है, तैयार हो चुका है। अब हम इसको निकालते हैं बाहर।